नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी का दोस्तों लाइव संबोधन सुनिए। यहां पर उन्होंने जो तीनों कृषि कानून थे उनको वापस लेने का फैसला ले लिया है और उन्होंने क्या कहा है, आइए दोस्तों सुनते हैं। ऐसे ही दोस्तों अब आप लोगों को अपनी भर्तियों को लेकर एक बार फिर से जोरदार आंदोलन करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेंट्रल की तरफ से जो रेलवे की वैकेंसीज निकाली गई है और जितनी भी भर्तियां हो रही उसमें पारदर्शिता की दोस्तों कमी दिख रही है। तो चलिए पहले इनका हम संबोधन सुनते हैं। मंथन हुआ और ये कानून लाए गए, देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे, अनेक माध्यमों से, व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों देखा यहाँ पर कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। और दोस्तों यही नहीं है, यहाँ पर किसानों से ज़्यादा संख्या स्टूडेंट की है। आप लोगों को भी अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा और आप लोगों को इकट्ठा होना, आपकी जितनी भी भर्तियाँ लंबित पड़ी हैं उनके लिए आप सभी को एकत्रित होना होगा। बहरहाल ये सूचना थी और अगली सूचना तक इंतजार करते हैं क्या स्टूडेंट के लिए करते हैं। चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।